प्रिय छात्रों, वर्तमान युग में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं आती, अपितु वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित करती हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है। सौभाग्यवश भारत के 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल पैदा की जाती है, लेकिन भारत में कहीं कहीं दो और कहीं कहीं पर तीन फसलें भी उगाई जाती हैं। भारत के क्षेत्रफल के जितने भाग को सिंचित करना संभव है, वह चीन के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलों तथा 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा 56.1% है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान और योगदान हम इस प्रकार से देख सकते हैं। भारतीय कृषि से संसार की लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांव में कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छिपी हैं। देश में वस्त्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। कपास, जूट, रेशम, ऊन और लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। चमड़ा उद्योग भी कृषि क्षेत्र की ही देन है। कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार भी यही है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी एवं तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों की प्राप्ति एवं पूर्ति के संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं है, वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। संक्षेप में, भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसकी सफलता अथवा विफलता का प्रभाव देश की खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक व विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों तथा राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है, वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का है।